नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में भारी बारिश बाढ़ से अब तक 144 लोगों की मौत, 655 करोड़ का नुकसान। जी, हिमाचल प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बाद मानसून का आगमन खुशी और राहत का समय होता है। बता दें कि ठंडी फुहारें, हरियाली और एक ताज़ा स्फूर्तिदायक वातावरण लाती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति का आशीर्वाद अभिशाप में बदल सकता है। मैं गत 31 जुलाई की रात को जब लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे, इस क्षेत्र में अचानक मूसलाधार बारिश हुई, जो शांत मानसून की रात मानी जाती थी वह एक दुख स्वरूप बन गई, क्योंकि 5 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई घर बह गए। बता दें कि बचाव दल अथक प्रयास कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 6 शव बरामद किए हैं। कुल 47 लोग लापता व्यक्तियों के परिवार अभी भी आशा पर टिके हुए हैं, मलबे और पत्थरों के ढेर को छान रहे, किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वह उम्मीद भी धुंधली होती जाती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने की 3 बड़ी घटनाएं हुई। बलरामपुर में समेत कुल्लू के अंतर्गत निर्मल और मंडी जिले में थुलुत खड, इन घटनाओं की अचानक और अप्रत्याशित प्रकृति के कारण कुल 53 लोग लापता हो गए। इसके जवाब में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के अस्पतालों में कैंसर मरीजों को मिलेंगी 42 तरह की दवाइयां निःशुल्क। जी, हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में कैंसर पीड़ितों को 42 प्रकार की दवाइयां अब मुफ्त मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पेलिएटिव केयर प्रोग्राम की बैठक में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बता दें कि हिमाचल कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया, यह चिंता का विषय है। मैं कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां बड़ी राहत होगी, वह सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को मुफ्त मिलने वाली 42 प्रकार की दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। समझ में 10 LNT मशीनें और 300 जवान कर रहे जिंदगी की तलाश, 5वें दिन भी टीम के हाथ खाली। जे 31 जुलाई की त्रासदी को रामपुर और निर्मल क्षेत्र के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 दिन बीत गए, लेकिन व्यापक स्तर पर चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी रेस्क्यू टीम के हाथ खाली है। हालांकि आपदा स्थल से कई किलोमीटर दूर सतलुज नदी में शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। इन शवों की पहचान के लिए जिला प्रशासन ने DNA करवाने का निर्णय लिया है। मैं समेज कस्बे में लापता 36 लोग की तलाश के लिए सोमवार से 10 LNT मशीनें और रेस्क्यू दल के करीब 300 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। मैं निर्मल की कुरपन खड में लापता हुए 7 लोगों का भी कोई पता नहीं चल पाया। मैं समेज से लेकर सुन्नी डैम साइट तक के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सतलुज में 2 और सब बरामद 37 रिश्तेदारों के सैंपल DNA जांच को भेजे जुनगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की निर्मल की कुरपन और समेज खड में आई बाढ़ के बाद लापता हुए लोगों की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को सतलुज नदी में 2 और सब मिले। वह इनमें एक लड़की और एक पुरुष है। वह लड़की की उम्र 17 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। हालांकि दोनों शवों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वह लड़की का शव सामान्य स्थिति में है, जबकि पुरुष का शव बच खराब हो चुका है। जोबरंग गांव के फांडी नाला में आई बाढ़, कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी। जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी जोबरंग गांव के ऊपर फांडी नाला की पहाड़ी से रात को अचानक आई बाढ़ से दहशत मच गई। हालांकि बाढ़ से अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं नाले का रुख गाँव की तरफ हो जाने से ग्रामीण चिंतित है। वह 24 घरों की आबादी वाले जोबरंग गाँव के लोगों का कहना है कि अब सुरक्षा के लिए यहाँ क्रेट वॉल लगाना जरूरी हो गया। वह अन्यथा ग्रामीणों को बारिश होने पर हमेशा नाले में बाढ़ की संख्या के खौफ में जीने को विवश होना पड़ेगा। वे पूर्व प्रधान जोबरंग पंचायत सोमदेव ने बताया कि रात करीब 10 बजे उनके गांव के ऊपर फांडी नाला में आई बाढ़ से डर का माहौल है। मैं ग्रामीण घरों से बाहर बारिश के बीच टॉर्च लेकर सुरक्षित जगह पर गए। मैं साथ ही घटना की सूचना प्रशासन को दी। विक्रमादित्य बोले, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों पुलों के निर्माण के लिए 20 करोड़ जारी। जल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के कुछ इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश एवं बादल फटने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बता दें कि भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण लोक निर्माण विभाग को प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग
300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वह सोमवार को प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य ने कहा कि जिला मंडी के पद्धर में बादल फटने के कारण सड़क अभी भी यातायात के लिए बंद है, जिसे शीघ्र बहाल करने के प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त जिला शिमला और कुल्लू में भी राहत एवं बचाव अभियान जारी है। वह सरकार की ओर से प्रभावितों की हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने पद्धर क्षेत्र का दौरा किया है और प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। वह सर्वाधिक प्रभावित 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला के उपायुक्त आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने 4 नई पोकलैंड मशीनें और कुछ जेसीबी लापता लोगों की तलाश में लगाई गई है। सांसद कंगना करेंगी आज समेज और बागी पुल का दौरा, जाने पूरा शेड्यूल। जी, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही पर मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना ने अजीबो गरीब कमेंट किया था, वह जिसके बाद अब कंगना रनौत का शेड्यूल जारी हुआ है। वह आज यानी मंगलवार को समेज और बागी पुल का दौरा करेंगी। वह कंगना सुबह 9 बजे समेज पहुंचेंगी और यहां पर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगी। वह इस दौरान कंगना राहत बचाव कार्य का भी जायजा लेंगी। वह इसके बाद कंगना रनौत 12:30 बजे के करीब कुल्लू जिले के निर्मल उपमंडल में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बागी पुल में पहुंचेंगी। बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह समेत गांव का दौरा कर चुके हैं। राजबन में 5वें दिन भी जारी रहा सर्च अभियान, अभी भी 2 लोग हैं लापता। जी हाँ, राजबन हादसे में लापता लोगों को ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च अभियान 5वें दिन भी जारी रहा। में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन दूसरी बार राजबन पहुंचे और सर्च अभियान को लीड किया। अब केवल 2 लोगों को ढूंढने का शेष है। में लापता हुए 10 लोगों में से 8 के शव बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि NDRF, SDRF, पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 100 से अधिक जवान दिन रात लापता लोगों को ढूंढने के लिए लगे हुए। इन जवानों के अथक प्रयास से भारी चट्टानों के बीच फंसे लापता लोग ढूंढा जा सका। बस सर्च अभियान में स्पिनर डॉग की मदद से लापता लोगों को ढूंढने में काफी मदद मिली है। सीएम सुक्खू बोले, चंबा में बनेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मेंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर 120 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। सुक्खू ने मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण वह व्यक्तिगत रूप से मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने मिंजर मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने चंबा में प्रदेश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। OTA भर्ती कानूनी पैच में फंसे एजेंसी के 36 लाख 2 साल से परिणाम की आस। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT आधार पर आयोजित ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि OTA पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। वे मार्च में गठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से OTA की भर्ती की परीक्षा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। वे परीक्षा के आयोजन की एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपये का भुगतान करना है, लेकिन 4 माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया। मैं CBT माध्यम से आयोजित यह परीक्षा आयोग में पायलट आधार पर आयोजित की थी। मैं इसके बाद इसी परीक्षा को आधार बनाकर अन्य परीक्षाएं करवाई जानी थी। एक परिवार के 16 लोग लापता, 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। हिमाचल प्रदेश के समेज कस्बे में बुधवार रात आई बाढ़ के बाद बना तबाही का मंजर देख हर आंख नम है। वे बाढ़ की चपेट में आए लोगों की तलाश में परिजनों के आंसू भी सूख चुके हैं। वे 4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वे कस्बे में बाढ़ के कारण कई फुट मलबा भर गए, जबकि खड्ड किनारे बड़े बड़े बोल्डर आ गए। ऐसे में लापता लोगों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। वे सैकड़ों जवानों का रेस्क्यू दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। वह लापता 36 लोगों में सरपारा से संबंध रखने वाले केदराटा कुटुंब के 16 सदस्य भी शामिल हैं। ज्वालामुखी में श्रावणी अष्टमी नवरात्र शुरू, 5 बजे खुले मंदिर के कपाट। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र का भव्य आगाज सोमवार को हुआ। वह शक्तिपीठ को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वह सोमवार सुबह ज्वालामुखी मंदिर में बारिश के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिली। वह सुबह 5 बजे श्रद्धालु माँ ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए कम संख्या में पहुंचे। ज्वालामुखी विधायक संजय रतन, मंदिर अधिकारी व तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा, न्यास सदस्यों ने
विधिवत पूजा अर्चना व कन्या पूजन से श्रावण अष्टमी नवरात्र का शुभ आरंभ किया के दौरान मंदिर के अंदर नारियल ढोल लगाड़े ले जाना पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वह साथ ही धारा 144 लागू होने पर किसी भी प्रकार के हथियार अगण्य वस्तु मंदिर क्षेत्र में ले जाना वर्जित है। वह पुलिस के 50 होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे और 50 अतिरिक्त कर्मी नियुक्त किए गए हैं। सोलर पावर प्लांट लगाने की पहले आओ पहले पाओ की शर्त हटाई। हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार की राह आसान हो गई है। वह प्रदेश सरकार ने योजना में ग्राउंड माउंटेड यानी कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने की पहले आओ पहले पाओ की निर्धारित सीमा की शर्त को हटा दिया है। वह लोग अब इस स्कीम के लिए सार में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। वह दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के एक हफ्ते में ही प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी मिलेगी। वह हिम ऊर्जा विभाग की 2023-24 की स्कीम में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोजेक्ट का आवंटन किया जाने का प्रावधान था। 12वीं कक्षा की पुनर्मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित। मजदूर की बेटी वंदना ने बनाई मेरिट में जगह। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जमा 2 कक्षा के पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इसमें जिला सिरमौर की एक मजदूर की बेटी ने मेरिट सूची में जगह बनाई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक भाटगढ़ स्कूल की छात्रा वंदना देवी ने कला संकाय में 500 में से 485 अंक 97% अंक प्राप्त किए हैं। यह अंक बोर्ड की पहली मेरिट सूची में चौथे स्थान पर रहे विद्यार्थी तनु चिंतन और भावना अधिक है। विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडिर, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र नेगी, जिला महासचिव डॉक्टर आईईडी राही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय शर्मा, संजय शर्मा, रमेश नेगी और सतीश शर्मा ने शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से पुनर्मूल्यांकन के बाद वाली बोर्ड की अंतिम संशोधित मेरिट सूची को शीघ्र जारी करने का निवेदन किया है। वह संघ के पदाधिकारियों ने भाटगढ़ विद्यालय की छात्रा वंदना देवी, शिक्षकों और अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटगढ़ के प्रधानाचार्य कमलजीत सिंह और प्रवक्ता हरीश शर्मा ने भी बोर्ड सूची को संशोधित करने का निवेदन किया है। प्रवक्ता हरीश शर्मा ने बताया कि वंदना बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती है। वंदना के पिता धनवीर ठाकुर मजदूरी करते हैं। वंदना की शिक्षा में विद्यालय के शिक्षकों का अहम योगदान है। सीएम सुक्कू बोले मर्ज स्कूलों के बच्चों को मिलेगी परिवहन सुविधा, शिक्षा में होगा गुणात्मक सुधार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए भी फैसले लेगी। वे मर्ज स्कूलों के बच्चों को परिवहन सुविधा भी देनी पड़े तो देंगे। वे चाहे एक बच्चे के लिए 25,000 रुपये भी क्यों ना खर्च करने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी भी रैंकिंग होनी चाहिए। उस रैंकिंग के आधार पर ही बच्चों को पता लगे कि वह जहाँ पढ़ाई का खर्चा कर रहे हैं तो भविष्य में क्या मिलेगा। राज्य सरकार इस मुद्दे पर भी काम कर रही है। रविवार को सीएम सुक्कू ने कहा कि केवल आत्मसंतुष्टि के लिए भाजपा ने स्कूल खोले हैं। कई स्कूलों में आज एक या दो बच्चे ही हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में खोल दिया है। वे कितने ही निजी विश्वविद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक गिरावट आ चुकी है। बांग्लादेश छोड़ भारत आई शेख हसीना तो कंगना रनौत बोली, मुस्लिम देशों में अब मुसलमान सुरक्षित नहीं। जे बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया। वह शेख हसीना अपना मूल के छोड़ भारत पहुंच चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना ने कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ भारत को सुरक्षित महसूस किया है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। वह कंगना ने कहा कि भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि, हम सम्मानित और खुश हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती है। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्कू सरकार को समर्थन देने को तैयार, जयराम ठाकुर की यह है अपील। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को राज्य सरकार से आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जरूरी व्यवस्था करने का आग्रह किया है। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव समर्थन देने के लिए तैयार है। वह इससे पहले जयराम ठाकुर ने शिमला जिले के आपदा प्रभावित समेत गाँव का भी दौरा किया और लापता लोगों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का भी समीक्षा की है। वह बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि समाज में स्थिति दिल दहला देने वाली है और हर कोई अपने प्रियजनों की तलाश कर रहा है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से तलाशी अभियान में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावितों को पिछले साल की तरह ही मुआवजा देने की अपील की।
आनी के अंकुश कटोच होंगे वॉलीबॉल के राष्ट्रीय हाई परफॉर्मेंस मैनेजर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी तहसील के युवा अंकुश से कटोच ने वॉलीबॉल खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय वॉलीबॉल का हाई परफॉर्मेंस मैनेजर नियुक्त किया गया है, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। बता दें कि अंकुश कटोच अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है और वॉलीबॉल खेल को 2032 और 2036 के ओलंपिक्स खेलों तक मेडल जीतने के काबिल बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, इस मामले में मिली अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। में शर्त के मुताबिक विधायक आशीष शर्मा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। इन्हें नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना पड़ेगा और यदि किसी कारणवश उपस्थिति में मुश्किल हो तो ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन दायर करने की शर्त भी लगाई गई है। राशन कार्ड धारकों का इंतजार खत्म, इस महीने मिलेगा सरसों के तेल का बैकलॉग कोटा। जी हाँ, हिमाचल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। जिन परिवारों को पिछले महीने सरसों तेल का कोटा नहीं मिला था, उन्हें अब बैकलॉग कोटा दिया जाएगा। हालांकि इस बार उन्हें नए भाव पर तेल मिलेगा, जो पिछले महीने की तुलना में 3 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा। सरकार ने जुलाई महीने के तेल का बैकलॉग कोटा देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए डिपो में पोस्ट मशीन में ऑप्शन की व्यवस्था कर दी गई है। इस मशीनें SPL और BPL उपभोक्ताओं को सरसों तेल 123 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि SPL टैक्स पेयर को 129 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 90 लाख लीटर खाद्य तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें 18 लाख लीटर सरसों के तेल की सप्लाई पहुंच चुकी है। दालों के रेट में अगस्त महीने में कमी दर्ज की गई है, जबकि आटा, गेहूँ और चावल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। TCP और SDA नियमों का सख्ती से पालन जरूरी, विक्रमादित्य बोल गए बड़ी बात। जे इस मानसून में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। वह सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की घटनाओं में प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। वह लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को भी 300 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। वह सड़कें और ब्रिज पानी में बह गए, जिन्हें बहाल करने का काम चल रहा है। बता दें कि 45 से अधिक लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। यह बात सचिवालय में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल में बवाल, एकजुट हुए प्राइवेट परिवहन ऑपरेटर से, इनके खिलाफ बड़े एक्शन की बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश में मोबाइल यातायात ऐप बाला और गैर पंजीकृत ऑटो रिक्शा को लेकर बड़ा बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को ऊना जिला मुख्यालय के ISBT में निजी बस, टैक्सी और ऑटो ऑपरेटरों ने संयुक्त बैठक करते हुए इस मोबाइल ऐप के साथ साथ बिना टैक्स अदा किए चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा का विरोध किया। बैठक की अध्यक्षता निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश परासर ने की। लाहौल के जोबरंग गांव में फटा बादल, फांडी नाले में बाढ़ आने से सहमे लोग। जी, हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को डराया हुआ है। लगातार हिमाचल के कोने कोने से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। अब लाहौल घाटी के जोबरंग गांव में भी बादल फटने का समाचार है। यहां अचानक आई बाढ़ से दहशत फैल गई है। बता दें कि लाहौल के फांडी नाला की पहाड़ी से रात में आई बाढ़ से गाँव के लोग चिंतित थे, लेकिन अब तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव की सुरक्षा के लिए क्रेट वाल लगाना जरूरी हो गया। पूर्व प्रधान सोम देव ने बताया कि रात 10 बजे बाढ़ से डर का माहौल हुआ और ग्रामीण सुरक्षित जगह पर चले गए। उन्होंने घटना की सूचना प्रशासन को दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राज्य में 9 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। DNA टेस्ट से होगी सबों की शिनाख्त, 37 लोगों के लिए गए सैंपल। जे समय त्रासदी में लापता 36 लोगों के परिजनों के DNA सैंपल लिए गए। DNA मैचिंग के बाद ही सबों की शिनाख्त हो पाएगी। पुलिस ने 37 परिजनों के सैंपल लिए। त्रासदी में शिमला क्षेत्र से 33 और कुल्लू क्षेत्र से 3 लापता लोगों के परिजन शामिल हैं। फिलहाल अभी तक 5 शव बरामद हुए हैं। सभी शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, जबकि इनके DNA सैंपल को फॉरेंसिक लैब जुनगा भेजा जा रहा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि सब काफी छत-बिछत हालात में मिल रहे हैं। मैं ऐसे में सबों को शिनाख्त करना एक चुनौती है। इसी के चलते सभी सबों के DNA मैच करवाए जाएंगे, इसके बाद ही सबों की शिनाख्त हो पाएगी।
हिमाचल में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत के लिए जारी हुई इतनी राशि केंद्र सरकार से नहीं मिली सहायता। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की आधी रात को भारी बारिश ने कहर बरपाया। में 3 स्थानों पर बादल फटने की बड़ी घटनाओं के कारण सड़कों के साथ कई पुल ध्वस्त हुए। ऐसे में सरकार ने मरम्मत कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये जानकारी मीडिया से बातचीत में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी बारिश और बादल फटने के कारण प्रदेश में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं पुनर्वास कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। मैं इस राशि से क्षतिग्रस्त पुलों एवं सड़कों को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जाएगा। इस्लामिक देशों में खुद मुसलमान नहीं सुरक्षित, शेख हसीना के भारत आगमन पर बोली कंगना रनौत। जी हां, बांग्लादेश में भारी उपद्रव के बीच स्थिति वहां की मौजूदा सरकार के हाथ से निकल चुकी है। इसके चलते बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने अपना इस्तीफा देकर भारत के लिए उड़ान भरी है। इस मामले पर एक्ट्रेस और मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने पोस्ट कर सवाल पूछा कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित महसूस करती है, इस्लामिक देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सावधान, अब ओवर स्पीड पर शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, शिमला पुलिस हुई हाईटेक। जे शिमला में यातायात नियमों को तोड़ना और पुलिस जवानों से भिड़ना भारी पड़ेगा। वह सड़क पर यातायात नियमों का पालन करवाने वाले पुलिस जवान अब हाईटेक होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिमला पुलिस को 29 हाई विजिबिलिटी क्षमता वाली 19 बाइक उपलब्ध हुई है। वहीं बता दें कि दूसरी ओर शिमला जिला में पुलिस के लिए 30 हैंड हेल्ड स्पीड गन, 10 बॉडी ओवरने कैमरे, 18 एल्को सेंसर, 30 वाहन संचालित गति संकेतों की स्थापना, 80 विस्तार योग्य अवरोध, 285 रिफ्लेक्टिव जैकेट, 115 रिचार्जेबल बटन, 200 ट्रैफिक कोन, 70 इंटरलॉकिंग प्लास्टिक बैरिकेड और 30 सर्च लाइट उपलब्ध करवाई गई है। उदयपुर में बादल फटा, सतलुज से अब तक 500 बरामद, किसी की शिनाख्त नहीं। जी, लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर किलाड़ सड़क पर धांधल नाले में रविवार को बादल फटा। बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ से धांधल बेली ब्रिज करीब 30% तक क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में लाहौल तिंदी सहित पांगी घाटी के आपस में संपर्क कट गया। कुल्लू जिले के मलाना गाँव में फंसे 19 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर सतलुज नदी से 2 और लोगों के शव बरामद हुए। मैं इनमें एक लड़की और दूसरा पुरुष है। वह लड़की की उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। अभी तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव सुन्नी से IGMC शिमला भेज दिए हैं। नशा कारोबारी महिला को 3 माह नज़रबंद रखने के आदेश, जाने पूरा मामला। जिन नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त छन्नी यानी कि इंदौरा की एक महिला को 3 माह तक नज़रबंद रखने के आदेश जारी किए गए। हिमाचल का यह तीसरा मामला है जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम यानी कि PIT NDA PS अधिनियम के तहत डिटेंशन अथॉरिटी की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे आदेश जारी किए गए। वह किसी महिला नशा कारोबारी को निरुद्ध रखने का यह पहला मामला है। जिला पुलिस नूरपुर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 20 अप्रैल को पुलिस से थाना डमटाल के अधीन छन्नी में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें रूबी निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान से तलाशी के दौरान 26 किलो 18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वह आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। वह इसमें पहले भी आरोपी महिला को NDPS एक्ट के अधीन दर्ज कई मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रतिवर्ष एक जौ के दाने के बराबर पताल में धस रहा यह अद्भुत शिवलिंग। जय हिमाचल के हरिद्वार के रूप में विख्यात प्राचीन कालीनाथ महादेव के ऐतिहासिक मंदिर जिला कांगड़ा में गरली प्रागपुर के निकट ब्यास नदी के तट पर स्थित है। बता दें कि भू शिवलिंग के बारे में एक जनश्रुति के अनुसार यह शिवलिंग प्रतिवर्ष एक जौ के दाने के बराबर पताल में धसता चला जा रहा है। मान्यता है कि जब यह शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। वैशाख मास यानी अप्रैल माह की संक्रांति के पावन अवसर पर इस तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना एवं स्नान का विशेष महत्व है। लोगों का विश्वास है कि हरिद्वार एवं अन्य तीर्थ स्थलों की भांति ही इस अपवित्र स्थल पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद कालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को हिमाचल के किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।